चैप्टर भी विथ स्टार्टिंगस पॉकेट बुक हैंडी है चलो बॉन्स के सारे कॉन्सेप्ट एक बार लिख लेते हैं कौन से कौन से कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वन द वी आर गोइंग टू रिवाइज इज टाइप्स ऑफ बॉन्स आता है सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बाद हम लोग ने लर्न किया था यील में लर्न किया था सीवाई वाई टी एम थर्ड वन was valuations याद आ रहा है वैल्यूएशंस के बाद हम लोग ने क्या लर्न किया था ड्यूरेशन याद है ड्यूरेशन के बाद हम लोग ने लर्न किया था वोलाटिलिटी एंड वोलाटिलिटी में एम डी ई डी एम डी स्टैंड फॉर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ई डी स्टैंड फॉर इफेक्टिव ड्यूरेशन नेक्स्ट वन आफ्टर दैट वी वेंट टू स्पॉट रेट

Or we can say convertible debentures. Are we clear? How many concepts to revise for? Nine. Let's revise them one by one. Conceptual concept letter. What is the first concept we have? Types of, Types of bonds. You tell me. What's the first type of a bond you have? ZCB. ZCB. Zero coupon bonds, no coupons, uh, issued at discount, redeemable at par. Are we exactly clear with that one? द सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स वे कूपॉन बॉन्ड्स कूपॉन में फिक्स फ्लोटिंग फ्लोटिंग का कुपॉन्स डिसाइडेड नहीं होता फिक्स का आप प्री डिसाइडेड अभी एक्जैक्टली क्लियर फिक्स के अंदर दो टाइप के बॉन्ड थे प्लेन वनीला नॉन प्लेन वेनीला प्लेन वेनीला कुपॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिडाम्शन एट मेचोरिटी वन शॉट नॉन प्लेन वेनीला कुपॉन कैन चेंज रिडाम्शन का पैरामीटर्स ऑल्सो कैन चेंज अभी क्लियर

शॉली और बेस्ट वे टू रिमेंबर दिस इज ऑलवेज टू प्रिपेयर अ चार्ट सो दैट यू कैन रिमेंबर इट वेरी नाइजली द फर्स्ट वन आई वुड राधा पुटिट आज स्टाइप्स आई वुड से बॉन्स बॉन्स के अंदर तीन पैरामीटर फर्स्ट वन जेड सी बी नेक्स्ट वन कूपन एंड लास्ट वन परपेक्चुअल कूपन के अंदर वी कैन हैव टू फर्स्ट वन फिक्स्ड फ्लोटिंग फिक्स के अंदर वी कैन हैव टू प्लेन टीला नॉन प्लेन वनीला एंड देन वी कैन हैव टू कैरेक्टरिस्टिक्स वन कॉलेबल सेकेंड वन पुटेबल याद आप सबको ये एनी डाउट्स कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट देन नेक्स्ट वन द सेकेंड थिंग वी स्टडीड अंडर द बॉन्स वॉज मीन्स रिटर्न रिटर्न शुड बी इन टर्म्स ऑफ And percentage should always be in terms of per annum. We have two types of return, the first one is known as current yield, CY and second one is known as YTM. YTM stands for yield to maturity. First one, CY, very simple formula that is coupon upon market price multiplied by 100. Chalo, have a look at your pocketbooks guys. फर्स्ट वन फिक्स प्लेन वनीला नॉन प्लेन वनीला कॉलेबिल पुटेबिल खत्म फ्लोटिंग खत्म परपेक्चुअल खत्म यील्ड यील्ड में करंट यील्ड एंड वाई टी एम सीवा इज इक्वल टू कूपन अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड कैलसी है क्वेश्चन नंबर वन द फेस वैल्यू ऑफ एट परसेंट बॉन्ड इज थाउजेंड एंड इज करंटली ट्रेडिंग एट नाइन हंड्रेड वॉट्स अ सीवा ऑफ द बॉन्ड कूपन कितना परसेंट कूपन इज ऑलवेज ऑन हाँ इज फेस वैल्यू थाउजेंड थाउजेंड का एट परसेंट थाउजेंड का एट परसेंट इज एटी एंड वॉट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाई नाइन हंड्रेड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ एट पॉइंट एट 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 नाइन कर दें एनी डाउट्स छोटा दो मार्क का कॉन्सेप्ट है ये डू यू अग्री नेक्स्ट वन सेमी एनुअल बॉन्ड याद है आपको सेमी एनुअल को भी एनुअल करना पड़ेगा फर्स्ट वन आई रीड द क्वेश्चन Face value of 8% bond is 1000 and is currently trading at 900. Calculate Siva of the bond is coupon is paid semi annually. Guys, calculators on. First one, is it 1000 ka 4% nikalenge? Is it 40? 40 divided by what? Multiplied by 100. I'm getting 4.44%. But can I say this is for 6 months? We can calculate it as per annum by 2 concepts. First concept is known as BEY. Second concept is known as. बी वाई बॉन्ड इक्वल इन डील नॉन कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट खाली डबल करना है एंड ई ए वाई इज नोन एज इफेक्टिव एन्य डील कहना है दैट इज अ कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट चलो फोर पॉइंट फोर फोर अगर एक सिक्स मंथस का है मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ इट एट पॉइंट एट नाइन अगेन एंड कंपाउंडिंग याद है ना वन पॉइंट जीरो फोर फोर रेज टू पावर टू मतलब कैना से स्क्वायर करेंगे माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड आई एम गेटिंग एट पॉइंट नाइन नाइन परसेंट और नाइन पॉइंट जीरो एट सिक्स करेक्ट है ना जितने ज्यादा फोर लोगे उतना ज्यादा इंप्रूव आंसर आएगा कोई डाउट्स है no. एकदम क्लियर टू yeah. गुड चलो फिर मेन कॉन्सेप्ट पे जाते हैं व्हाट इज नोन एज नाउ कॉन्सेप्टीएम अगर ये चार्ट रहेगा तो चैप्टर बहुत सिंपल लगेगा सो आई सेट वाई निकालने के लिए सबसे पहले कूपन पे जाओ कूपन में प्लेन वनीला पे जाओ सब जगह पे मैंने प्लेन वनीला को सेग्रीगेट करके शॉर्टकट्स कट्स निकाले बट नॉन प्लेन नीला होगा तो कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा सो इफ इट्स अ नॉन प्लेन नीला बॉन्ड यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आई आर आर दैट इज इनफ्लो फ्लो ग्रोज आउटफ्लो या तो फिर टेबल एंड अकॉर्डिंगली डू परफेक्ट है बट प्लेन में नीला होगा तो कूपॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट द रिडाम्शन इज एट वन शॉर्ट कैन ऐसी वी कैन हैव फॉर्मुलाज एवरीवेयर वाई टी एम फॉर अ प्लेन वनीला बॉन्ड टेल मी द फॉर्मोला फॉर सी प्लस एफ ई माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ ई प्लस पी डिवाइडेड बाई टू फिर से एक बार बोलो एफ ई माइनस पी अपॉन एन अपॉन शॉरी एफ ई स्टैंड फॉर फ्यूचर वैल्यू पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू अभी क्लियर इसमें भी प्लेन में अपना सेमी एनुअल एनुअल ये सब ध्यान रखना आप Chalo. we'll have a question on that also. question number three, do you have it? first one, a five-year debenture at 10% coupon rate. maturity value is 1,000. Is currently trading at how much? 900. 900. guys face value below 1,000. coupon rate, is it a five-year bond yeah. and currently trading at 900? how much will be the coupon? 100, 100. plus. how much is fe? एफ ई कै नॉट बी नाइन हंड्रेड एफ ई इज द रिडम्शन वैल्यू द रिडम्शन वैल्यू इज नॉट गिविन टू यू शुड ऑलवेज अज्यूम रिडम्शन इज एट पार सो आई गेस एफ ईज थाउजेंड करेंटली ट्रेडिंग एट नाइन हंड्रेड कैन आई से पी इज नाइन हंड्रेड डिवाइड बाई हाउ मेनी इयर्स फाइव इयर्स अपॉन थाउजेंड प्लस नाइन हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू चलो गेट मी द आंसर गाइस प्लीज आ रहा है क्या मिल गया ट्वेल्व पॉइंट आपको वाई टी एम वाई टी एम स्टैंड फॉर यील्ड टू मेच्योरिटी फीलिंग लो पहले उसका वॉट यू मीन बाय टू मेच्योरिटी दैट इज फॉर नेक्स्ट फाइव इयर्स फ्रॉम टूडे टिल द मेच्योरिटी इफ आई होल्ड द बॉन्ड आई एम गोइंग टू वन ट्वेल्व पॉइंट सिक्स थ्री परसेंट पर एन एम बट ओनली इफ आई होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी इफ आई डोंट होल्ड द बॉन्ड टिल द मेच्योरिटी देन आई एम गोइंग टू वन सी वाय अभी क्या कमा रहे हो सीवाई मेच्योरिटी तक क्या कमाओगे वाई टी एम पक्का चलो नेक्स्ट वाई टी एम ऑफ अट सी बी चलो अब ये वाई टी एम कौन सा था प्लेन वेनीला का था yes. अभी हम लोग वाई टी एम तीन अलग अलग बॉन्ड्स के निकालते हैं फर्स्ट वन विल गो टू जेड सी बी नेक्स्ट विल गो टू नॉन प्लेन वेनि लास्ट वन विल गो टू परफेक्चुअल इफ यू रिमेंबर आई कैन नॉट कैलकुलेट एनीथिंग ऑन फ्लोटिंग वाई आई कैनॉट कैलकुलेटन ऑन फ्लोटिंग सीधा बैठो हाँ वाई आई कैनॉट कैलकुलेट एनीथिंग ऑन फ्लोटिंग बिकॉज नथिंग इज़ श्योर द कूपन रेट इज नॉट गिविन टू यू द रिडाम्शन पीरियड कोई भी सर्टर्निटी नहीं है सो so, फ्लोटिंग पे कोई कैलकुलेशन नहीं चलो फर्स्ट पर आ जाते हैं जेड सी बी सिंपल सा बॉन्ड है, है. कल ही बात कर रहे थे हम लोग लेक्चर के बीच में इज इट तीन सौ पाँच सौ कितने में खरीदना है कितने में रिडीम होगा और बीच में पीरियड एग्जैक्टली क्लियर क्वेश्चन भी यही होगा बिकॉज दिस इज हाउ आई वॉन्ट यू टू रिमेबर अब फाइव ईयर एट सी बी ऑफ द फेस वैल्यूथ फाइव हंड्रेड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट थ्री हंड्रेड इज द वाई टम कितने साल का बॉन्ड है इव ईयर्स का अगर बॉन्ड है तो आई वुड से क्वेश्चन नंबर फाइव है hmm. आज फोर है okay. आज अगर हम लोग uh, कितना इन्वेस्ट करेंगे थ्री हंड्रेड तो वो ग्रो करेगा हाउ मेनी इयर्स फाइव इयर्स इज इक्वल टू Now that brings out a beautiful concept if you have forgotten that. So, r is equal to 500 divided by 300 raised to power 1 by 5 minus 1. If I tell you raised to power 1 by 5, is it a dirty concept? Yeah. Dirty powers, we in our language. <laughs> How many steps to crack that? Six. Step number 1: one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. पहले स्टेप्स बोलो कैल्सी नहीं साथ में मेरे साथ कैल्सी होगा कल के रूल्स भूल तो गया तो वन स्टेप टू स्टेप थ्री अभी डिनोमिनेटर मीन्स क्या होगा इस क्वेश्चन में फाइव वन बाई फाइव सो डिनोमिनेटर इज फाइव नेक्स्ट वन स्टेप फोर स्टेप फाइव इन टू इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स वर्ड ऑफ कॉशन इन टू करके इक्वल टू इक्वल टू नहीं मानना इन टू इक्वल टू इन टूवल टू आ वी क्लियर एंड लास्ट वन मल्टीप्लाई नहीं कर देना रेस टू न्यूमरेट डू यू अग्री चलो आई वॉन्ट एवरी वन वू यूजिंग द कैलसी विथ मी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई थ्री हंड्रेड डू यू अग्री नाउ ट्वेल्व टाइम्स स्कोर रूट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आई यू गेटिंग दैट Next one minus 1, next one divide by 5, next one plus 1, next one into equal to 12 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Are you getting that? And then raise to numerator, is it only 1 minus 1 karna ne bholna, and multiply by 100? I am getting an answer of. टेन पॉइंट सेवन फाइव सेवन परसेंटेज आई यू गेटिंग दैट क्या मिल गया टेन पॉइंट सेवन फाइव सेवन परसेंटेज अपना वाई टी एम फॉर हाउ मेनी ईयर्स फाइव ईयर्स चेक कर ले एक बार आंसर yeah. कितना इन्वेस्ट किया था आपने कैलसी थ्री हंड्रेड इन टू

चलो ये कौन सा हो गया अपना कॉन्सेप्ट अपना जेड सी बी नेक्स्ट वन वाई टी एम ऑफ विच बॉन्ड नाउ गाइस पर्पेक्चुअल बॉन्ड में क्या याद रखने को कहा है तुम्हें फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला काम आ सकता है परपेक्चुअल बॉन्ड में कल वाले इक्विटी चैप्टर से अभी एग्जैक्टली क्लियर दैट वन कल अपना नॉर्मल सबसे पहला फॉर्मूला आई वी इज इक्वल टू डी अपन आर ई तो यहाँ पे क्या होगा आई वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई टी एम सो यहां पर जो फॉर्मूला याद रखना है वो है आई वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई टी एम आई रीड द क्वेश्चन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिंग एट कैन आई सेक्स्ट वन टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड टेन इज माई कूपन क्या कैलकुलेट करना है इज इट टेन बाई नाइन्टी फाइव चलो टेन बाई नाइन्टी फाइव माइनस वन करना नहीं भूलना मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड माइनस वन नहीं करना यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड करना आई एम गेटिंग टेन पॉइंट फाइव टू सिक्स परसेंट कैन यू रिकॉल दिस ऑल चलो एक और लास्ट में एक बॉन्ड था मैं क्रिएट कर देता हूँ बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं डाला है कौन सा बॉन्ड बोल रहा हूँ मैं नॉन प्लेन वेनीला याद आ रहा है कुछ नॉन प्लेन वेनीला का yeah.

दस बार समझाया था सिखाते वक्त भी परसेंटेज दिया हुआ है हाउ कैन दिस बी फ्लोटिंग वट इज फ्लोटिंग रेट ऑफ कूपन इज नॉट गिवेन टू यू वेन द रेट ऑफ कूपन इज गिवेन टू एंड द कूपन रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन इट इज प्लेन वेनिला वेन द कुपन रेट इज गिवेन टू अस बट इट चेंजेस एवरी इन देन इट इज नॉन प्लेन वेनिला बट इट इज स्टिल फिक्सड आई एग्जैक्टली क्लियर विद पॉन द फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज इक्वल टू थाउजेंड फेस वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड इज इक्वल टू थाउजेंड क्या ढूंढना है हम लोग को इसका एवरी यू आर अर्निंग आई डोंट अ डिफरेंट परसेंट आई वांट वन परसेंट विच आई अर्न फॉर ऑल द फाइव इन कॉन्स्टेंट डेफिनेटली अगेन अ कॉमन सेंस इज दर्न समेर बिटवीन टेन टू एटीन याद आ रहा है टेबल बनाना है टेबल होगा अपना यस वन टू थ्री फोर फाइव सेकेंड होगा कैश फ्लो थाउजेंड का टेन परसेंट इज इट हंड्रेड वन ट्वेंटी वन थर्टी वन फिफ्टी वन एटी प्लस थाउजेंड भी आएगा पीवी 12, फिर पीवी निकालेंगे ऐट द रेट ट्वेल्व फिर पीवी निकालेंगे ऐट द रेट एटीन बिकॉज ट्वेल्व और एटीन के बीच में ही होगा ट्वेल्व और एटीन निकाल सकते हो या आई वुड रादर से टेन और एटीन Perfect. Chalo 100 divided by 1.1. Is it 90.91? Yes. Next one 120 divided by 1.1. 1. 1 2 99.17. Next one 130 divided by 1.1. 1. 1. 1. two three Answer. Lovely. Next one we require is 150 divided by 1.1. 1 Answer 102.45. गाइज लास्ट वन प्लस थाउजेंड डिवाइड बाई वन पॉइंट सेवन थर्टी टू पॉइंट एट नाइन और ये बॉन्ड आज फेस वैल्यू थाउजेंड पे चल रहा है इज इट वन ट्वेंटी टू पॉइंट एट नाइन पॉजिटिव आ गया कॉन्सेप्ट समझा अभी हम लोग कौन से परसेंट से डिस्काउंटिंग कराएंगे? 18। चलो कैलसी स्टार्ट अगेन। 100 डिवाइड बाय 1.18। पॉइंट वन एट इज इट एटी फोर पॉइंट सेवन फाइव नेक्स्ट वन वन ट्वेंटी डिवाइड बाय 1.18। सिक्स पॉइंट वन एट नेक्स्ट वन वन डिवाइड बाय पॉइंट वन एट वन टू थ्री आंसर सेवेंटी नेक्स्ट वन वन फिफ्टी डिवाइड बाई वन पॉइंट वन एट वन टू थ्री फोर आंसर

आई आर आर का फॉर्मूला बोलो लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय एन पी वी मल्टीप्लाइड यू गेटिंग दिस व्हाट इज लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड समेशन ऑफ वन ट्वेंटी प्लस नाइन आंसर टू मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ रेट eight 122.89 divided by 279.69 into 8 plus 10 I'm getting an answer of 13.52 percentage Kya mil gaya? thirteen point five two percent percent IRr clear any doubts for sake but table picture is now that completes my second concept of bond that is known as yield pakka next one. अब बॉन्ड का अगर यील्ड याद रह गया तो टेबल पूरा याद रह जाना चाहिए फर्स्ट वन जेड सी बी में क्या याद रखोगे नेक्स्ट वन प्लेन मेनीला बॉन्ड सी प्लस एफ ई माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ ई प्लस पी डिडेड बाई टू नेक्स्ट वन नॉन प्लेन मेनीला टेबल आई आर आर टेबल याद आना चाहिए टेबल बनाना है, टेबल आई आर आर एंड लास्ट वन अपना परपेक्चुअल बॉन्ड आई वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई टी एम Got this? Any doubts on that? Can I go ahead? Chalo, what's next now after that? Yield ke baad next concept konsahata. Valuation, yes. one liner again. Yes. Valuation ka one liner. IV is equal to PV of all future cash flows. PV of all future cash flows. That's one liner. But again, concept remains the same. फर्स्ट वन वैन आई सी पी वी ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज कैन आई सी बॉन्ड गिव्ज यू कूपॉन एंड बॉन्ड गिव यू रिडाम्शन सो इन नटशल इट्स अ पी वी ऑफ कूपॉन प्लस पी वी ऑफ रिडाम्शन अगर प्लेन मैनी ला होगा तो शॉर्टकट कूपॉन रिमेन्स कॉन्स्टेंट सो कैन आई टेक इट पी वी आई एफ ए सो पी वी आई एफ ए एंड पी वी आई एफ अगर प्लेन वैनी ला होगा तो नॉन प्लेन वैनी ला हुआ तो टेबल जेड सी भी हुआ तो वही तीन सौ पाँच सौ और वापस परफेक्चुअल हुआ तो वही आई वी इज इक्वल टू सी अपन वाई टी एन हाउ विट द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन मेनीला बॉन्ड कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस अ बॉन्ड विद फाइव ईयर्स टू मेच्योरिटी रुपी फाइव थाउजेंड फेस वैल्यू विच पेस कूपन एट द रेट ट्वेल्व परसेंट सेमी एनुअली अंडरलाइन द वर्ड ट्वेल्व परसेंट सेमी एनुअली एग्जाम में जब ये सारी चीजें रीड करोगे स्ट्राइक होना चाहिए अंडरलाइन ट्वेल्व और सर्कल द ट्वेल्व और ट्वेल्व की जगह पे कितना यूज करोगे सिक्स उसके ऊपर ही चले जाओ फाइव इन लिखा है बॉन्ड विल बी रिडीम्ड एड प्रीमियम ऑफ फाइव परसेंट एट दाइव इन सिमिलर बॉन्ड इन द मार्केट इज प्रेजेंटली परसेंट एट एट परसेंट को सर्कल करके फोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैन आई कूपन आधा हो जाएगा पीरियड डबल हो जाएगा वाई टी एम आधा हो जाएगा व्हाट इज द इंट्रेंसिंग वैल्यू ऑफ द बॉन्ड चलो व्हाट इज द फेस वैल्यू गाइस फाइव थाउजेंड का कितना परसेंट कूपन है सो so, का कम्स टू कितना परसेंट कॉमा हाउ मेनी पीरियड्स टेन परफेक्ट ना प्लस रिडम्शन किस पे होने वाला है प्रीमियम पे हो रहा है कितने परसेंट प्रीमियम पे है सो फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव इज इट फाइव टू फाइव जीरो सो फाइव टू फाइव ज़ीरो इंटू पी वी आई एफ़ फोर परसेंट कॉमा टेन डज एनी वन हैवीन डाउट विद पी वी आई एफ एंड पी वी आई एफ पी वी आई एफ ए स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्यूटी पी वी आई एफ स्टैंड फ़ॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर चलो कैलसी यूज करो एंड गेट मी द आंसर प्लीज़ फ़ाइनल आंसर देना आई वंट एवरी वन यूजिंग द कैलसी नहीं चल रहा है क्यों बोलो क्या रहा है फाइव नाइन सेवन नाइन पॉइंट नाइन एट वन मोरस टू कंफर्म दिस आंसर यू गेटिंग दिस आंसर बहुत टाइम लगा रहे हो गेटिंग दिस नाउ चलो चेक कर लेते हैं फाइव नाइन सेवन नाइन पॉइंट नाइन सेवन नाइन आर वी गेटिंग दैट थ्री हंड्रेड फोर परसेंट टेन पीरियड फाइव टू फाइव जीरो फोर परसेंट टेन पीरियड इज इट ऑल करेक्ट चलो नेक्स्ट वन वट इज़ अ नेक्स्ट बॉन्ड वी हैव नाउ प्लेन वनीला वट डिड आई टेल यू फॉर अन प्ले नॉन प्लेन वनीला हो गया नॉन प्लेन वनीला के लिए क्या करना पड़ेगा टेबल कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट वन यह वन टू फोर कूपन कितना रहेगा यह फाइव टू एट एंड यर नाइन एंड टेन बी स्मार्ट हाँ बी स्मार्ट फर्स्ट वन यर्स कैन आई टेक वन टू फोर टुगेदर कैन आई टेक फाइव टू एट टुगेदर बट नाइन और टेन अलग लेना पड़ेगा yes. क्योंकि टेन पे रिडम्पशन yeah. आएगा ना चलो कैश फ्लो यर वन टू फोर हाँ मुझे स्कूपन रेट वर्ज़ अ फेस वैल्यू हंड्रेड का नाइन परसेंट कितना नाइन नेक्स वन टेन नेक्स वन फोटीन नेक्स्ट वन फोटीन प्लस हंड्रेड और एडम्पशन पे कुछ बोला उन्होंने फाइव परसेंट का प्रीमियम भी है गाइस सो इज इट फाइव ऐड हो जाएगा इसका पीवी निकालना है कौन से रेट से व्हाट्स ऑफ आई टी एम गिविंग टू यू सिक्सटीन परसेंट कैलकुलेटर चलाओ और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फैक्टर लेना है हमें वन पॉइंट वन सिक्स डिवाइड डिवाइड वन टू थ्री फोर जी आई एम गेटिंग एट क्यूमुलेटिव फैक्टर ऑफ आमच टू पॉइंट सेवन नाइन एट मल्टीप्लाइड बाई नाइन ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन एट आ रहा है कि नहीं आ रहा है yes. बहुत स्लो चल रहे हो तुम लोग आज नेक्स्ट वन वन पॉइंट वन सिक्स डिवाइड डिवाइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जी टी और ये जी टी से टू पॉइंट सेवन नाइन एट माइनस करोगे तो आई एम गेटिंग अ क्यूमुलेटिव ऑफ वन पॉइंट एट ज़ीरोट फाइव आ रहा ही है इसको टेन से मल्टीप्लाई करोगे सो आई एम गेटिंग एटीन पॉइंट जीरो नाइन नहीं समझा क्या किया पहले चार साल का क्यूमुलेटिव निकाला फिर आठ साल का क्यूमुलेटिव निकाल के पहले चार साल का क्यूमुलेटिव माइनस की आयु कैचिंग आप नेक्स्ट वन फोर्टीन डिवाइडेड बाय पॉइंट वन सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन क्या आ रहा है कितना स्लो थ्री पॉइंट सिक्स एट आ रहा है नहीं आ रहा है आंसर कौन बोलेगा फोर्टीन प्लस हंड्रेड प्लस फाइव डिवाइड बाई वन पॉइंट वन सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन बोलो कितना आ रहा है हाँ ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन एट कर ऑफ ऑल फोर नंबर्स ही रहते हो यार मतलब सो रहे हो क्या कर रहे हो पता नहीं मेरा तो आ रहा है सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन थ्री यू गेटिंग दिस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई एम गेटिंग सेवेंटी थ्री पॉइंट नाइन थ्री कौन सा एटीन क्यों आई डेंट गेट यू कहां पे फाइव टू एट ईयर्स ना वन पॉइंट वन सिक्स डिवाइड डिवाइड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जी टी माइनस टू पॉइंट सेवन नाइन एट आई एम गेटिंग ये फैक्टर अलग आ रहा है तो ये अमाउंट भी अलग आएगा तो ये टोटल भी अलग आएगा फैक्टर आ रहा है वन पॉइंट फाइव फोर सिक्स ले लूँ मल्टीप्लाइड बाई टेन आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ फिफ्टीन पॉइंट फोर सिक्स गाइस सिर्फ दो बुक लाया हो एक है पॉकेट बुक और एक है कैलसी आई वांट एवरीवन इन द क्लास वर्किंग ऑन कैलसी पक्का क्वेश्चन कंप्लीट होने तक कोई बोल तो नहीं रहा हाँ हाँ कर रहे हो खाली इज सेलिंग मी एट दी एंड फिफ्टीन पॉइंट फोर सिक्स प्लस ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन एट प्लस थ्री पॉइंट सिक्स एट प्लस ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन एट आंसर कम्स टू सेवेंटी वन पॉइंट थ्री जीरो कर दूँ? डन क्लियर एनी डाउट्स चलो कौन सा बॉन्ड था ये प्लेन वनीला या नॉन प्लेन वनीला वन टू थ्री फोर एवरीथिंग इज़ करेक्ट फिर से एक बार याद कर दो प्लेन वनीला होगा तो पी वी आई एफ है पी वी आई एफ नॉन प्लेन वेनीला होगा तो टेबल नेक्स्ट वन अपना जेड सी भी होगा तो और पर्पेक्चुअल होगा तो आई वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई टी एम यहाँ पे सी दिया होगा वाई टी एम दिया होगा तो आई वी निकालना होगा चलो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर कौन सा एट टेन परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इज प्रेजेंटली यील्डिंग कितना कूपन कितना परसेंट पर यील्ड कितना परसेंट कैलकुलेटर टेन डिवाइडेड बाय इलेवन परसेंट आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ नाइनटी पॉइंट नाइन वन वन लाइनर एग्जामिनेशन में लोग इस पर सिलियर करके आते डन नेक्स्ट वन फिर वो तीन सौ पाँच सौ तो याद रह ही गया ना तीन सौ पाँच सौ में क्या नहीं दिया होएगा अभी तीन सौ नहीं दिया होगा पाँच सौ दिया होगा और यील्ड दिया होगा तो कहने से अपने को खाली पाँच सौ का प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा इफ़ आई टेल यू द प्रेजेंट वैल्यू द यील्ड इज फिफ्टीन परसेंट सो फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट वन फाइव फॉर फाइव टाइम्स गॉट इट क्लियर नेक्स्ट वन आई वुड लाइक यू टू रिकॉल दिस नाउ स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन याद है वट इज स्पेशल केस ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबरिंग दिस कॉन्सेप्ट आई टोल्ड यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मैं यहाँ पे बॉन्ड खरीद रहा हूँ बीच में याद आ रहा है स्पेशल केस हाउ मेनी स्टेप्स फोर कैलकुलेट क्रीन प्राइस ऑन द नेक्स्ट कूपॉन् मतलब यहाँ पर खड़े रह जाओ और यहाँ पे क्लीन प्राइस कैलकुलेट करो अगर यहां पे खड़े तो हाउ मेनी कूपन्स वील गेट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आई से सिक्स कूपॉन्स एंड वन रिडम्पशन आई वी इज इक्वल टू पी वी ऑफ PV प्लस पी वी ऑफ रिडम्पन दिस इज स्टेप वन स्टेप टू मेक इट डर्टी हाउ टू मेक इट डर्टी ये पूरा कूपन ऐड कर दो मतलब एक्चुअली आई एम गोइंग टू ऐड सेवेंथ कूपन और फुल अमाउंट ऐड करना है अभी एग्जैक्टली क्लियर विद वन फुल अमाउंट कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं कुछ नहीं कैन आई से ये डर्टी हो गया नेक्स्ट वन स्टेप थ्री डर्टी रहने दो बट ऑन द डेट ऑफ परचेस मतलब क्या करोगे कहना से अभी यहां पे खड़े थे तो यहां से आ जाओ जहां पे बाई करना है प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा एक पूरे अमाउंट का क्लियर एंड लास्ट वन स्टेप नंबर फोर मेक इट क्लीन अगेन हाउ टू मेक इट क्लीन ये पीरियड का कूपन के नई से अपना नहीं है तो इसको लेस कर देंगे Done. How many steps I told you? Oh. Clean price on the next coupon date. Dirty on the next coupon date. Dirty on the date of purchase. And clean on the date of purchase. And I have done two questions. You can check your notebooks. We have done two questions on this. First one Calculate the clean price on the next interest date. That is PV of coupon plus PV of redemption. Are you getting that? calculate the dirty price on that date. that is add interest, correct? Hai. calculate the dirty price on the date of valuation. can i say we need to calculate present value? Yeah. and lastly, calculate the clean price on the date of valuation less the interest which does not belong to us. surely. any doubts on that? chalo, catch up this now. first, back to the basic. we keep on adding the concept up. first one, Types. sogam. yield ho gaya, वैल्युएशन uh, हो गया फटाफट आंसर देने का टाइप्स फर्स्ट टाइप ऑफ अ बॉन्ड सेकेंड कूपन के अंदर फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग फिक्स के अंदर एंड नॉन प्लेन वेला एंड वी हैव टू एंड द लास्ट टाइप ऑफ अ बॉन्ड नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट नंबर टू यील्ड में फर्स्ट सी वाई सी वाई इज इक्वल टू कूपन अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड नेक्स्ट वन वाई टी एम प्लेन वेनिला सी प्लस एफ ई माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ ई प्लस पी डिवाइडेड बाई टू नेक्स्ट वन नॉन प्लेन वेनिला टेबल आई आर आर नेक्स्ट वन अपना जेड सी बी तीन सौ पाँच सौ एंड लास्ट वन परपेक्चुअल आई वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई टी एम आई वी दिया होगा सी दिया होगा वाई टी एम ढूंढना होगा क्लियर दैट कम्प्लीट्स माई यील्ड यील के बाद आता है वैल्यूएशन वैलुएशन आई वी इज इक्वल टू पी वी ऑफ ऑल फ्यूचर कैश दैट इज पी वी ऑफ कूपन प्लस पी वी ऑफ रिडाम्शन प्लेन वेनीला पी वी आई एफ ए पी वी आई एफ नॉन प्लेन वैनीला टेबल जेड सी बी तीन सौ पाँच सौ बट यहाँ पे तीन सौ नहीं दिया होगा यहाँ पे पाँच सौ दिया होगा और यील दिया होगा तो तीन सौ निकालना है एंड लास्ट आता है अपना पर्पेक्ल सो आई वी इज इक्वल टू अपॉन वाई टी एम तो यहां पर सी भी दिया होगा वाई टी एम भी दिया होगा आपने को आईवी निकालना होगा पक्का वॉट्स टू लॉर्न नाउ ड्यूरेशन सिंपल फॉर्मुलास अपॉन समेन डब्ल्यू बोलो एक बार फिर से ड्यूरेशन इज इक्वल टू इट गिवस यू अ पीरियड विथ इन विच वी गेट अ मनी बैक फॉर्मूला बोलो एक बार फिर से

फर्स्ट वन फाइव ईयर थाउजेंड फेस वैल्यू ट्वें परसेंट कूपन बॉन्ड इज प्रेजेंटली यील्डिंग कितना परसेंट फोर्टीन कैलकुलेट इट्स ड्यूरेशन हाउ मच इज कूपन परसेंटेज हाउ मेनी इयर्स बॉन्ड इज दैट वन टू थ्री फोर फाइव नीचे सोल्यूशन नहीं देखना है सी एफ कूपन कितना परसेंट था ट्वेल्व परसेंट इज इट वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इज इट वन थाउजेंड वन ट्वेंटी यल्डिंग कितना परसेंट तो पीवी कितने रेट से निकालेंगे फोर्टीन 120 divided by 1.14. Next one. Next one. Next one. Next one. divide one. 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 One, one, divided by 1.14. 1, 2, 3, 4, 5. Answer. 581.69. Do you agree? Now, total. थोड़े बहुत कॉमन लॉजिस्टिक्स सिखाए थे नाउ लेट्स स्टार्ट रिकॉलिंग ऑल दो लॉजिस्टिक्स बैक लॉजिस्टिक्स नंबर वन दैट कॉमन सेंस आट्स वर्किंग नाउ इज दैट कूपन अलग वाई अलग कूपन इज अ पीरियडिक पेमेंट वाई टी एम इज एक्चुअली द अर्निंग परसेंटेज कितना कमा रहे हो तो कूपन नहीं है कितना कमा रहे हो तो वाई टी एम है कूपन तो एक पेमेंट है खाली अवीकलीट वन सेकेंड कॉमन सेंस आई वी एंड आर इनवर्सली रिलेटेड आई वी एंड यूल्ड आर इनवर्सली रिलेटेड यील्ड इंक्रीज इज आई वी डिक्रीजिस यूल्ड डिक्रीजिस आई वी इंक्रीजिस क्लियर देन अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस आई डॉट यू कुपोन और यील्ड के बीच में एक मस्त रिलेशनशिप होता परफेक्ट है इफ माई यील्ड इज ग्रेटर देन कूपन

कूपन कितना मिल रहा है सर फोर्टीन परसेंट कितना कमाना है बेटा सर ट्वेल्व परसेंट इन दैट केस द बॉन्ड शुड नॉट बी अवेलेबल एट लेस देन पार द बॉन्ड शुड बी अवेलेबल एट मोर देन पार याद आ रहे है ये सारे कॉन्सेप्ट चोर् अच्छा नेक्स्ट चलो अभी डब्ल्यू एक्स का कॉलम याद है क्या करना है अपने को डब्ल्यू एक्स क्या इसे मल्टीप्लाई खाली ये याद है मेरे को ये कॉन्सेप्ट्स बोलने के लिए बिकॉज अपना आंसर यहाँ पे 931 थर्टी वन आया कैन ऐसे हैड टू बी लेस देन थाउजेंड बिकॉज यील्ड कितना परसेंट है और कूपन कितना है मतलब कंपनी कितना परसेंट कैश फ्लो दे रहा है अपने बारह पर अपने को कितना कमाने का है चौदह भाई तो डिफरेंस कहां से कमाओगे तो वो हजार से कम मिलना चाहिए कौन अब चलो कैलकुलेटर वन जीरो

ंग नंबर वन कुपान अलग यील्ड अलग मेच्योरिटी अलग ड्यूरेशन अलग टेलमी अ बॉन्ड हुज ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू मेच्योरिटी पेक्शल डज नॉट हैव अ ड्यूरेशन जेट सी बी जेट सीबी इज अ बॉन्ड हुज ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स मेच्योरिटी बीच में कोई कैश फ्लो नहीं मिलता है पैसा कब मिलने वाला है पांच साल बाद All coupon bearing bonds will have a duration which is less than maturity. And perpetual bond does not have a maturity because it is perpetual. Is this clear? Any doubts? Are we done with something which is known as duration? One simple formula. What's the formula? <laughs> summation WX upon summation W. Chalo, first page pe jaate ek bar fir se. Do you remember duration khatam? Now, what is the next concept? Concept number 5. What's that now? Volatility. Volatility is the relationship between the YTM and the IV. Direct relation or inverse relation? Yes. YTM decreases, IV increases. YTM increases, IV decreases. By how much? By how much is calculated by volatility? Clear? And volatility can be calculated by two methods. What are the two methods we can calculate the volatility by? ED, MD. MD is simple one, na? modified duration formula, D, d, upon, d, one y d upon one plus YTM. Next one, ED formula, P2 minus, P2 P2 minus P1, 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 P1 divide by two into P0 into change in Y. Yaad aaraein? Hmm. formulas bolo Chalo, MD. D d upon d one d. Upon one ED. टू माइनस पी वन अपॉन टू इंटू पी जीरो इंटू चेंज इन वाई एग्जाम में फॉर्मुलाज रिकॉल करने का टाइम नहीं है फटाफट फॉर्मुलाज तो बैक ऑफ द माइंड चलने चाहिए सिर्फ कैलकुलेशन जाएगा एग्जाम में कैन आई टेक इट अप चलो बॉन्ड रिस्क वोलाटिलिटी फर्स्ट वन इफेक्टिव ड्यूरेशन पी टू पी वन टू इंटू पी जीरो इंटू चेंज इन वाई मॉडिफाइड ड्यूरेशन डी अपॉन वन प्लस वाई टी एम डू अग्री टेकिंग इलेस्ट्रेशन नंबर नाइन इंटू कंसिडरेशन कैलकुलेट प्राइसिटी बाई वन एम डी बाई टू ईडी फिफ्टी बेसिस पॉइंट फर्स्ट वन स्टार्ट करू क्वेश्चन नंबर कौन सा नाइन को बेस देने के लिए क्या है ड्यूरेशन निकाला हा मच ऑज ड्यूरेशन चलो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है एम डी फॉर्मूला बोलो How much was D? Four, four, how much is YTM? Fourteen. 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 14. So is it 1.14? Yes. yes. Chalo, 4 divided by 1.14. One Answer 3.51 Three one percentage. Yes. Interpretation. इफ वाई टी एम चेंजेस बाय वन परसेंटेज कितना परसेंटेज वन द प्राइज ऑफ द बॉन्ड वि चेंज बाय थ्री पॉइंट फाइव वन परसेंट इन द ऑपोजिट डिरेक्शन इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी पूरा लाइन लिखना है फिर से एक बार इफ द वाई टी एम चेंजेस बाय वन परसेंट द प्राइज ऑफ द बॉन्ड चेंजेस बाय इन द इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी ज इज क्लियर नेक्स्ट वन ये आ गया एम डी सेकेंड क्या निकालना है बट ई डी निकालने के लिए तुम्हारे पास पी टू होना चाहिए पी वन होना चाहिए पी जीरो होना चाहिए वट इज पी जीरो करंट प्राइस वट इज पी टू हाइर प्राइस वट इज पी वन लोअर प्राइस करेंट प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैन आई सी टेबल से नाइन थर्टी वन पॉइंट थ्री फोर करंट प्राइस इज नथिंग बट पी वी ऑफ ऑल फ्यूचर कैश लो सो वी हैव नाइन थर्टी वन पॉइंट थ्री फोर इज करंट प्राइस अब क्या निकालना है पी टू पी टू मीन्स वॉट हाइर प्राइस इंटरेस्ट रेट शॉक बोला होगा उन्होंने कितना इंटरेस्ट रेट शॉक देना है फिफ्टी बेसिस पॉइंट इज इट पॉइंट फाइव का शॉक देना है हायर प्राइस कब आएगा जब वाई टी एम बढ़ेगा या वाई टी एम कम होगा तो फोर्टीन माइनस पॉइंट फाइव इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट फाइव आएगा है ना yes. और अभी हमें क्या निकालना है इसका आई वी दैट इज वैल्यूएशन हाउ मिज स्कूपन इन टू पी वी आई एफ ए कितना परसेंटेज थर्टीन पॉइंट फाइव कॉमा हाउ मेनी ईयर्स फाइव इयर्स पक्का प्लस थाउजेंड इन टू पी वी आई एफ थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंटेज कॉमा फाइव चलो गेट मी आंसर्स प्लीज फोर्टी सेवन पॉइंट एट एट क्या मिला नाइन फोर्टी सेवन पॉइंट एट एट आपको पी टू अब क्या निकालोगे पी वन कब निकलेगा वाई टी एम बढ़ेगा सो गाइस फोर्टीन प्लस पॉइंट फाइव परसेंटेज इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट फाइव परसेंटेज चलो आंसर वन ट्वेंटी इन टू पी वी आई एफ ए फोर्टीन कॉमा फाइव प्लस थाउजेंड PVIF fourteen point five percentage comma five. Get me the answer. Nine one five point one nine. Agya गया kuch? Formula below P two minus divide by P2. into P0. into. P0. into P0. How much is P two? How much is P one? नाइन वन फाइव पॉइंट डिवाइडेड बाय इन टू पी जीरो बोलो नाइन थर्टी वन पॉइंट थ्री फोर चेंज इन वाई बोलो पॉइंट फाइव नहीं लिख देना पॉइंट जीरो जीरो फाइव आएगा पॉइंट फाइव लिखोगे फिफ्टी परसेंट हो जाएगा यू आर चेंजिंग ओनली पॉइंट फाइव परसेंट समझा चलो कैलकुलेटर एंड गेट मी देंसर सेम आएगा अलग आ आए ही नहीं सकता है खाली दो कॉन्सेप्ट अलग अलग है फॉर्मूलाज अलग अलग है बट आंसर तो सेम आएगा डू यू अग्री चलो थ्री पॉइंट फाइव वन परसेंट का मीनिंग बोलो इफ द टी चेंजेस बाय बाय परसेंट पॉइंट फाइव नहीं वन द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल चेंज बाय इन द मतलब नीचे प्राइज ऊपर वाई टी एम ऊपर प्राइज नीचे इन दी ऑपोजिट डिरेक्शन बट दिस इज इग्नोरिंग कन्वेक्सिटी बिकॉज कन्वेक्सिटी डालूंगा तो राइस विल बी ग्रेटर डू यू रिमेंट पक्का चलो वापिस एक बार पेज नंबर वन आई यू डन विद वोलाटिलिटी तीन फॉर्मूलाज मेरे डिक्शनरी में डालो फर्स्ट वन वॉट इज द फॉर्मुला फॉर ड्यूरेशन नेक्स्ट वन वॉट इज द फॉर्मूला फॉर वोलाटिलिटी एम डी डी पी टू माइनस पी वन डिवाइड बाई टू इन पी जीरो इन चेंज इन वाई ऐसे चैप्टर याद रहना चाहिए पूरा कोई बॉन्स बोले तो बस ये नो कॉन्सेप्ट एंड बैक ऑफ द माइंड ऑल कॉन्सेप्टन कैन आई गो है वॉट्स हाँ वो तो का लैंग्वेज था वाई टी एम वॉट्स वॉट रेट वाई टी एम डिनोटेड बाई वर ओ वन आर ओ टू आर ओ फोर आर ओ फाइव वॉट इज आर ओ फाइव रेट फॉर फाइव द वाई टी एम टू मेचोरिटी

So, I can have F 1 2, F 4 5, F yes. 2 5. F 1 2 means rate after 1 year for 1 year or I can say rate for second year. Rate for 5? Rate, rate for 1 year after 4 year that is the rate for which year? 5th year. बोलेगा रेट फॉर फिफ्थ ईयर इट्स एफ फोर फाइव रेट फॉर फाइव इन आर ओ फाइव अच्छा हाउ डू बी कैल्क्युलेट फॉरवर्ड रेट लार्जर पीरियड बाई स्मॉलर पीरियड सो एफ ओ फाइव इफ यू कैन रिकॉल एफ ओ फाइव लार्जर पीरियड वन प्लस आर ओ फाइव रेस टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय 1 plus RO4 raised to power 4. The whole raised to power 1 by 1 minus 1. F25. 1 plus RO5 raised to power 5. Divide by 1 plus RO3. No, RO2 raised to power 2. The whole raised to power 1 by 3 minus 1. Is this clear? एंड थर्ड तो बहुत डमी सा काम है टर्म स्ट्रक्चर टर्म स्ट्रक्चर इज न टेबल द टेबल फॉर मेच्योरिटी ड्यूरेशन नहीं मेच्योरिटी एंड वाई टी एम मतलब फर्स्ट कॉलम में मेच्योरिटी डालना है वन टू थ्री फोर फाइव और सेकेंड कॉलम में वाई टी एम डालना है मतलब स्पॉर्टरेट सो तीन कॉन्सेप्ट है अपने पास स्पॉर्टरेट फॉरवर्ड रेट एंड टर्म स्ट्रक्चर यस चलो क्वेश्चन है देखो उस पर कोई क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट फाइव वन हो गया था नी थ्री पॉइंट फाइव वन आ गया था टर्म पोर्ट्रेट फॉरवर्ड रेट इलस्ट्रेशन नंबर इलेवन चलो मस्त वाला इलस्ट्रेशन डाला है आई डोंट नो मैंने यहाँ पे बूथ स्ट्रेपिंग सिखाया होगा कि नहीं बट हम तो यहाँ पे करेंगे बोर्ड पे सब कुछ फ्रॉम द फॉलोइंग डेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट फेस वैल्यू इंटरेस्ट रेट मेच्योरिटी करंट प्राइस कैन आई डू दैट फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए कहना है स्पॉट रेट तो होना ही चाहिए और अगर स्पॉट रेट आ ही रहा है और हमारे पास मेचोरिटी वन टू थ्री है तो कहना है टर्म स्ट्रक्चर भी बनाई लेते हैं क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है चलो यहाँ पे देखोगे आप सिर्फ फर्स्ट वन इज मेचोरिटी एंड सेकेंड वन इज स्पॉट रेट का मतलब होता है वाई टी एम मेचोरिटी वन टू थ्री क्या निकालना है मुझे वाई टी एम कितने कॉन्सेप्ट से वाई टी एम निकालने के दो पहले वाला अपना नॉर्मल कौन सा नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऑफ वाई टी एम सी प्लस एफ ई माइनस पी अपन एन अपॉन एफ ई प्लस पी डिवाइडेड बाय टू और सेकेंड कॉन्सेप्ट कौन सा है चलो बूथ बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है बोलो फर्स्ट ईयर एक साल का बॉन्ड है आज कितने में खरीदना है नाइन्टी वन पॉइंट कहाँ पे नाइन्टी वन पॉइंट फाइव आ गया तो फाइव हंड्रेड बोलो ना किधर दिख रहा है पॉइंट मेरे को तो इधर मस्त वाला कॉमा दिख रहा है बुक में एक पॉइंट हो गया वो ओके चलो तो भाई कॉमा कर लो तुम लोग ठीक है यही मेरे पास भी यही बुक है भाई तुम कोई अलग बुक यूज नहीं कर रहे हो? कॉमा ही है पता नहीं क्या देख रहे थे लोग सोते रहते सुबह में नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिखा Coupon कितना? जीरो, maturity कितना? तो हम लोग आज डालेंगे एक साल के बाद क्या मिलेगा अपने को वन लाख का एक डिस्काउंटिंग रेट निकालना है नाइन्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आना चाहिए तो बहुत सिंपल हो गया सो आई एल से नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वन प्लस आर रेस टू वन इज इक्वल टू वन लैख यस और नो आर इज इक्वल टू वन लैख डिवाइडेड बाई 91500 रेस टू पावर 1/1 1 कैलकुलेटर 9.29 आ रहा है मेरा आंसर क्या मिल गया 9.29% आपको क्या आरओएन ओके okay. तो ठीक है मैं आरओ ही मेरे को सुनाई दे रहा है मतलब कुछ-कुछ हो रहा है सुबह-सुबह <laughs> में शायद इसका भूत आ गया हो तुम्हारे में सेकेंड बोलो हाउ मेनी इज दैट बॉन्ड इज फॉर नाउ टू ईयर्स आज कितने में लोगे हैं नाइन्टी एट फाइव हंड्रेड फर्स्ट ईयर के एंड पे कितना कूपन इज इट टेन थाउजेंड सेकेंड ईयर टेन थाउजेंड प्लस वन लाख और इसी को बोलते बूथ स्ट्रैपिंग अभी फर्स्ट ईयर के कैश फ्लो को किससे डिस्काउंट कराओगे आर ओ वन हम तो आर ओ वन नाइन पॉइंट टू नाइन है ना और फिर इसको किससे डिस्काउंट कराएंगे आर टू क्या टेन कुछ भी चल रहा है क्या दिमाग में टेन क्या प्यार हो गया टेन के साथ टेन परसेंट इस कूपन मैडम क्लियर आर टू ढूंढना है कूपन अलग अलग गॉडिस आज कितने में आ रहा है नाइनटी एट फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाई वॉट वन पॉइंट जीरो नाइन टू नाइन प्लस वन लाख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन प्लस आर ओ टू रेस टू पावर टू और हमको क्या ढूंढना है आर ओ टू ढूंढना है समझा yes. चलो कैलकुलेटर लो टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो नाइन टू नाइन माइनस नाइन्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड आर ओ टू आएगा मेरा वन लाख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी है ना बेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन कैलकुलेटर वन लैख टेन थाउजेंड डिवाइडेड बाय एटी नाइन थाउजेंड थ्री फिफ्टी वन बाई टू इसके एक बार स्क्वायर रूट माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ टेन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट आ गया सब याद आता है इसीलिए बोलता हूँ रिविजन लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आ गया ना याद हाँ। अभी कर लोगे थर्ड वाला यार। है ना अब बोलो कौन सा बॉन्ड लोग yes. आज नाइनटी नाइन में एक साल के बाद क्या मिलेगा कूपन, कूपन, कूपन तुम्हारे सामने है बोलो कितना टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेकेंड ईयर क्या मिलेगा थर्ड ईयर क्या मिलेगा टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस वन लैख ये सो नो फर्स्ट का कुप, डिस्काउंटिंग कितना है आर ओ वन सेकेंड का डिस्काउंटिंग yes. अब भूलना नहीं वो टेन पॉइंट नाइन सिक्स पर एन एम है अपने को दो बार कराना पड़ेगा इधर ठीक है और थर्ड का डिस्काउंटिंग आर ओ थ्री फाइन करना है चिकास कुछ याद आ रहा है ये सब कुछ किया था yes. चलो कैलकुलेटर Ninety nine thousand is equal to ten thousand five hundred divided by one point zero nine two nine, plus ten thousand five hundred divided by one point one zero nine six raised to power two, plus one ten thousand five hundred divided by one plus R O three raised to power three. Jakas chalo calculators abhi bhi continue karo. Ninety nine thousand is equal to

नाइन्टी नाइन थाउजेंड माइनस नाइन सिक्स ज़ीरो सेवन पॉइंट फोर सेवन माइनस एट फाइव टू एट पॉइंट वन एट डिनोमिनेटर पे आ रहा है मेरा एटी थाउजेंड एट सिक्सटी फोर पॉइंट थ्री फाइव आ रहा है रेस टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन वन बाई थ्री मतलब कौन सा फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा क्या ना इसे डर्टी पावर्स चलो चालू हो जाओ वन लैख टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ भी गया hmm. कॉपी नहीं किया उधर से टेन hmm. पॉइंट फिर से नाइन सिक्स नाइन तो नाइन सेवन कर दू ना hmm. चिकास hmm. तो आ गया ये टेन पॉइंट नाइन सेवन परसेंट डू यू अग्री क्या मिल गया ये स्पॉट रेट्स आर ओ वन आर ओ टू आर ओ थ्री यू गिव मी आंसर्स ना व्हाट इज आर ओ वन वन वट इज आरो वट इज आर ओ थ्री अभी परसेंटेज के हिसाब से बोलो वट इज आरो वन वट इज आरोड व्ट इज आरोड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज बूथ स्ट्रेपिंग कैन वी रिकॉल श्योरली कैन एड अभी ये स्पॉट रेट कैलकुलेट किया कैन ऐसे स्पॉट रेट से आगे जाएंगे तो वी कैन कैलकुलेट समथिंग विच इज नोन एज फॉरवर्ड रेट है ना अब फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करता हूं तो ये यहां पे पहले मैं पेस्ट कर देता हूं आ गया एंड स्पॉट रेट्स डन अब फॉरवर्ड रेट कौन से कौन से फॉरवर्ड रेट निकाल सकता हूं मैं इसमें से एफ वन टू निकाल सकता हूं एफ टू थ्री निकाल सकता हूं एफ वन थ्री निकाल सकता हूं यस और नो चलो एफ वन टू बोलो मेरे साथ बोलो परसेंटेज बोलो वन पॉइंट वन जीरो नाइन सिक्स रेस टू पावर टू डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो नाइन टू नाइन रेस टू पावर वन द होल रेस टू पावर माइनस वन चलो कैलकुलेटर बाद में उठाएंगे पहले एफ टू थ्री बोलो रेस टू पावर डिवाइडेड बाय रेस टू पावर द होल रेस टू पावर One by one, three and two ka difference is one year. Got this? Yes. Chalo, last one. F one three. Bolo. Raise to power divided by. Sorry, one point zero nine two nine. Raise to power. The whole raise to power. पक्का चलो कैलसी वन पॉइंट वन जीरो नाइन सिक्स स्क्वेर डिड बाईन जीरो था माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेडिंग टॉइंटेज एम आई कोरेक्ट वन पॉइंट वन जीरोड बाइड बाई हंड्रेड आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ टेन पॉइंट नाइन नाइनटेज आई करेक्ट yes. नहीं चल रहे कैलसी नहीं हाँ बराबर है ना अभी लास्ट वन करता हूँ चलो 1.1097 पॉइंट वन जीरो नाइन सेवन इन टू इन टू इक्वल टू इक्वल टू डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो नाइन टू नाइन एक ही बार करना है बट रेस टू पावर टू है तो रूट निकालना है माइनस वन करना है मल्टीफाइड बाई हंड्रेड करना है इलेवन पॉइंट एट टू परसेंट आ रहा है मेरा जकाज बोलो कौन से कॉन्सेप्ट हो गए ये थ्री मोर कॉन्सेप्ट और थ्री कॉन्सेप्ट फर्स्ट वन स्पॉट रेट सेकेंड वन फॉरवर्ड रेट थर्ड वन टर्म स्ट्रक्चर स्पॉट रेट वाई टी एम नॉर्मल वाई टी एम बूथ फॉरवर्ड रेट एफ टर्म स्ट्रक्चर मेचोरिटी स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट का फॉर्मूला लार्जर पीरियड स्मॉलर पीरियड इज दिस क्लियर एनी डाउट्स ऑन दिस कैन आई गो हैड चलो फर्स्ट पेज पे बोलो अभी लॉजिक का घर पे जाने का कैन आई गो हैड फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हो गया यील्ड हो गया, वैल्यूएशन हो गया ड्यूरेशन हो गया वोलाटिलिटी हो गया स्पॉट रेड फॉरवर्ड रेट टर्म स्ट्रक्चर आर व्यू ऑल क्लियर विथ ऑल दिस पूरा रिविजन एक बार यहां तक देन लास्ट थ्री कॉन्सेप्ट एंड पूरा रिविजन एक और बार फर्स्ट वन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स वन का नेक्स्ट वन यॉर्मुला नेक्स्ट वन वाई टी एम प्लेन वेनिला एफ माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ प्लस पी डिवाइड बाई टू एक्जैक्टली क्लियर विथ दैट पन जेड सी बी नॉन प्लेन वेनिला आई आर आर एंड पर्पेक्चुअल परफेक्ट एकदम नेक्स्ट वन नेक्स्ट गोज टू वैल्युएशन फर्स्ट वन सिंगल लाइन ऑल फ्यूचर कैश्लोज क्या होते हैं कैश लोस बॉन्ड्स में कुन एंड नेक्स्ट वन अब जाते हैं प्लेन में नीला बोलो पी वी आई एफ है पी वी आई एफ परफेक्ट है नॉन प्लेन में नीला टेबल जेड सी बी तीन सौ सौ एंड लास्ट वन परपेक्चुअल सी अपॉन माइटी एम नेक्स्ट वन ड्यूरेशन फॉर्मूला लवली आई लव यू गाइस चलो वोलाटिलिटी एम डी फॉर्मूला चकास ई डी formula p2 minus p1 divided by 2 into p0 into change in by lovely spot rate is ytm forward rate is larger period by smaller period and last one is term structure maturity spot rates Chukas. next one point number 7 what is point number 7 for now bond refunding decision Yad पार्ट वन पार्ट टू बुक नहीं देखने का होता है व्हाट इज बॉन्ड रिफंडिंग पुराने बॉन्ड्स है ज्यादा परसेंटेज है मार्केट में परसेंटेज कम हो गया तो हम लोग का प्लान चल रहा है मस्त वाला कि पुराने बॉन्ड्स रिडीम कर दे नए बॉन्ड्स इश्यू कर ले है ना सो गाइस पार्ट वन इमीडिएट कैश फ्लोज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स याद आ रहा है और उसके बाद आता है फ्यूचर कैश फ्लोज और फिर आता है पार्ट वन और पार्ट टू का नेट इफ आंसर इज पॉजिटिव वी शुड रिफंड द बॉन्ड इफ़ आंसर इज नॉट पॉजिटिव वी शुड नॉट रिफंड द बॉन्ड क्लियर पहले छह कैश फ्लोज अब भी जो होने वाले एकदम कॉमन सेंस लगा के फर्स्ट वन रिडीम ओल्ड ओल्ड वाले का क्या करेंगे रिडाम्शन और ओल्ड वाले का रिडाम्शन करने में अगर कोई प्रीमियम ऑन एडाम्शन पे करना पड़ रहा है तो say, वो प्रीमियम ऑन का क्या लेंगे टैक्स शील्ड 25 साल के बॉन्ड थे पांच साल में रिडीम करने चले गए डेफिनेटली इन्वेस्टर्स विल बी सैड उनको खुश करने के लिए क्या देना पड़ेगा प्रीमियम ऑन एडाम्पन पर प्रीमियम ऑन एडाम्शन इज एन एक्स्ट्रा पेमेंट यू आर मेकिंग अगेंस्ट द वैल्यू दैट यू विल चार्ज इट टू टूपी एन एल चार्जेज टूपी एन एल यू गेट अ टैक्स शील्ड समझा नेक्स्ट वन क्या करेंगे इश्यू ऑफ न्यू अभी एग्जैक्टली क्लियर और इश्यू करोगे तो क्या आएगा कहना इसे इश्यू एक्सपेंसिज होंगे अमोर्टाइज नहीं किया पहले तो सिर्फ एक्सपेंसिस की बात कर रहे हैं ओल्ड रिडीम करेंगे इज इट आउटफ्लो टैक्स शील्ड इज इट इनफ्लो इश्यू करेंगे इज इट इनफ्लो एंड एक्सपेंसिस करेंगे इज इट आउटफ्लो एकदम कॉमन लॉजिक से जाने को बोला था पहले रिडीम करो उसका प्रीमियम का टैक्स शील लो नया इश्यू करो उसका एक्सपेंसेस माइनस करो नाउ कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट ओल्ड बॉन्ड रिडीम कर रहे हो तो कहना है सर उसका अनएमोटाइज पोर्शन ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट एंड द डिस्काउंट कहना है सर उसको आज एमोटाइज करने को मिलेगा तो उसको एमोटाइज करोगे तो क्या मिलेगा उस पर टैक्स शील्ड

Redemption of old. B. Yes. Tax shield on premium on redemption of old. C. Issue. issue of new. D. Flotation cost on issue of new. Next one. E. On amortization of unamortized flotation cost and discount of old bonds. And last one is E. The overlapping interest. Next one. Part 2. Old new. Post. टैक्स इंटरेस्ट ओल्ड का न्यू का एमोटाइजेशन ओल्ड का न्यू का ये आउटफ्लो था नीचे वाला इनफ्लो है इन दोनों का डिफरेंस आउटफ्लो ही आएगा पर इन दोनों का डिफरेंस सेविंग्स आ जाएगा और सेविंग्स को मल्टीप्लाई करोगे पी वी आई एफ ए के साथ अगर डिस्काउंटिंग रेट दिया है तो ठीक है अगर डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया है तो के डी के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी यस और नो चकास वाला काम चल रहा है एंड यू विल गेट एन आंसर एंड टू बोथ ऑफ दिस विल बी योर येस और विल बी योर नो इफ आंसर इज पॉजिटिव गो अहेड इफ आंसर इज नेगेटिव नो डोंट गो अहेड डन चलो हैव लुक इन योर बुक्स नाउ बॉन्ड रिफंडिंग इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन बाद में ले रहा हूं पहले बॉन्ड रिफंडिंग डिसीशन ले लेता हूं मिला बॉन्ड रिफंडिंग डिसीशन फर्स्ट वन देखो इनिशियल कैश फ्लो इज इट रिडम्शन ऑफ ओल्ड टैक्स शील्ड ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ ओल्ड इश्यू ऑफ न्यू फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन इश्यू ऑफ न्यू टैक्स शील्ड ओवरलैपिंग इंटरेस्ट मिल गए छह पार्ट नेक्स्ट वन उसके बाद पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट टैक्सशील फ्लोटेशन कॉस्ट नेट द डिफरेंस डिफरेंस ऑफ स्टेज वन टू नेक्स्ट वन नोट इफ एन पी वी इज पॉजिटिव दैन दम शुड गो हैड विद बॉन्ड डाउट्स है यहाँ पे मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मैंने करा है तुम्हें क्लास में और तुम लोग ने दो क्वेश्चन खुद किए थे टोटल तीन क्वेश्चन है अपने पास टेक्स्ट बुक्स में इसके पक्का कोई डाउट्स इस पर चलो इसके बाद वॉट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी हैव नाउ इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन कर ले पहले व्हाट इज इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन? हमें डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बदलेगा हमारी लाइबिलिटीज है येस और नो अभी फ्यूचर में कितने सारे पेमेंट्स करने हैं हमारे तो हमारी सारी लाइबिलिटीज अब वो लाइबिलिटीज पे करने के लिए हम लोग अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बदल गया तो अभी एग्जैक्टली क्लियर विद टू इम्यूनाइज इफ यू कैन रिकॉल इन इंटरेस्ट इम्यूनाइेशन आई गिव यू फाइव स्टेस अगेन एंड एट्सोड आई सेट दिस इज पार्ट नंबर सेवन एंड दार्टर एट एंड दारंबर नाइन डेड पार्ट डेड मतलब एक चिपका नहीं जैसा काट कॉपी पेस्ट दिमाग नहीं लगाना इधर कोई ठीक है फाइव स्टेप्स अगर याद हो तो स्टेप नंबर वन पहले सारे लाइब्रिटीज का ड्यूरेशन निकालना ठीक है स्टेप नंबर टू तो बहुत मस्त डमी सा स्टेप है डी एज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ लाइबिलिटी स्टेप नंबर थ्री हमें दो बॉन्ड्स दिए होंगे कितने दो बॉन्ड्स उसमें इन्वेस्ट करना है तो पहले वो दो बॉन्ड्स का ड्यूरेशन निकालना है स्टेप नंबर फोर वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालना है दैट इज अमाउंट और प्रपोर्शन ऑफ द फंड्स टू बी इन्वेस्टेड एंड स्टेप नंबर फाइव फाइनली अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड क्लियर फिर से एक बार फाइव स्टेप्स रिपीट करो आईल शो यू अ क्वेश्चन बोलो स्टेप वन डीएल स्टेप टू डीए इज इक्वल टू डीएल स्टेप थ्री डीए ऑफ ऑल द बॉन्ड्स स्टेप फोर प्रोपोर्शन, स्टेप फाइव अमाउंट कैन मी? क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर बोलो चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व A pension fund has the following liability structure year 2, 5, 6. Liabilities are 1000 crore, 2600 crore, and 2400 crore. Are you getting that? Opportunity cost is 10%. The following two bonds are shortlisted for investment. Bond R, 2 years ZCB, presently yielding 10. Bond M, 7 years ZCB, presently yielding 10. Find the proportion of the funds to be invested in the above two bonds, which will immunize your liability. How many steps? Five, five steps. Step number one below. लाइबिलिटीज का ड्यूरेशन निकालना है ड्यूरेशन का फॉर्मूला डी इज इक्वल टू सो आइल से कैश फ्लो आई आइल से पी वी एंड आईल से डब्ल्यू एक्स बोलो लाइबिलिटीज के ईयर बोलो टू फाइव सिक्स टू ईयर्स पे फाइव ईयर्स पे सिक्स ईयर पे चलो पी वी कौन से रेट्स हैं

3795.58 5. 5, 8. next column is it wx mm -hmm. 826.45 multiplied by 2 answer 1652.9 next one is 1614.4 multiplied by 0, 7, 5 answer 0, 7, 0. and the last one guys 1354.74 multiplied by 6 answer summation चकास हो गया ये काम सो ड्यूरेशन इज इक्वल टू सेवेंटीन थाउजेंड एट फिफ्टी थ्री पॉइंट थ्री फोर डिवाइडेड बाई थ्री सेवन नाइन फाइव फाइव एट इज इक्वल टू ईर्स आ गया दैट मीन्स आई हैव टू पे ऑफ माई लाइबिलिटी इन फोर पॉइंट सेवन जीरो दिस इज माई स्टेप नंबर वन टेल मी नाउ वॉट इज माई स्टेप नंबर टू डी ज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन जीरो क्या कैलकुलेट करना है डी ए कितने बॉन्ड्स है मेरे पास आर एम क्वेश्चन को थैंक यू बोलने का ड्यूरेशन इज इक्वल टू डन अब यहाँ पे वो लोग मस्ती कर सकते हैं जेड सी बी की जगह पे यहाँ पे बॉन्ड्स डाल देंगे प्लेन में नीला क्या नहीं सी उसका ड्यूरेशन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन yes. किया है वैसा भी टेबल बनाओ ड्यूरेशन निकालो टेबल बनाओ ड्यूरेशन निकालो ये तो मजा आ गया अपने को। is it two years? Is it seven years? है ना? स्टेप थ्री शॉर्ट हो गया व्हाट इज स्टेप फोर कि भाई कितना प्रोपोर्शन डालना है दोनों में अभी क्लियर तो कॉमन सेंस ये कहता है कहना सी ये दोनों में मिला के इनका ड्यूरेशन फोर होना चाहिए था सो आई वुड से टू इन टू एक्स प्लस सेवन इंटू वन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए फोर पॉइंट सेवन जीरो येस और नो सो दैट इज टू एक्स प्लस सेवन माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू फोर पॉइंट सेवन जीरो चलो एक्स का आंसर निकालो गाइस फोर पॉइंट सेवन जीरो डिवाइडेड बाय वॉट फाइव ना आंसर क्या मिला पॉइंट फोर सिक्स आपको एक्स तो गाइज वन माइनस एक्स कितना मिलेगा मतलब पॉइंट फोर सिक्स पैसा किस में डालने का अपने को आर में और पॉइंट फाइव फोर पैसा कितने में डालने का अपने को एम में चकास वाला काम हो गया चलो लास्ट वन वट इज लास्ट वन नाउ स्टेप नंबर फाइव स्टेप नंबर फोर पे क्या ढूंढा था आपने प्रपोर्शन स्टेप नंबर फाइव पे क्या ढूंढना है अमाउंट एक लाइन याद कराया था मैंने तुम लोग को दैट इज द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड शुड बी इक्वल टू पी ऑफ लायबिलिटी इन्वेस्ट करना पीवी ऑफ लायबिलिटी इन्वेस्ट करना भूल से ये अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर देना, देना। अभी सब एस एफ एम चल रहा है ना साथ में रिवीजन दो फॉरेक्स ये वो सब दिमाग में डालने का पांच साल के बाद पांच हजार चाहिए तो पांच हजार इन्वेस्ट करेगा क्या नहीं आज उसका पीवी इन्वेस्ट करूंगा ये और नो कहां सीखा था मालूम है हम लोग ने फॉरेक्स के अंदर मनी मार्केट कवर कहाँ सीखा था मनी मार्केट कवर का स्टेप वन इन्वेस्ट या बोरो करना था उतना अमाउंट नहीं करना था वो अमाउंट आंसर आना चाहिए यू शुड लीन लर्न द लॉजिस्टिक्स ऑफ फाइनेंस सो अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड हैजू बी गाइस थ्री सेवन फाइव नाइन फाइव पॉइंट फाइव एट इन टू पॉइंट फोर सिक्स इन पॉइंट फाइव फोर 3795.58 into 0.46. I am getting an answer of 1745.97. And 0.54 answer है two zero four 2049.61. How many steps of interest immunization? Step 1. <laughs> <laughs> First one, step number one, DL. Step number two, DA is equal to DL. Step number three, DA all bonds. Step four, the weighted average, that is a proportion. And step number five, amount. Amount to be invested should be equal to the present value of all future liabilities. Done? Last concept. वट इज अ लास्ट कॉन्सेप्टिंग डिसीशन हो गया इज इज कन्वर्टेबल बॉन्ड पढ़ना भी नहीं है मुझे चाहिए ट्राई करो चलो देख के खाली टाइटल्स देखना है यहाँ पे फर्स्ट वन डू रिमेम्बर वट इज कन्वर्जन रेशियो वट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड एक बॉन्ड देना है शेयर्स मिलने वाला ठीक है ना वट इज कन्वर्जन रेशियो नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड एक बॉन्ड देंगे तो कितना शेयर्स मिलेगा कन्वर्जन प्राइस बकवास कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाय कन्वर्जन रेशियो कोई काम का नहीं है इससे अच्छा कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन पैरिटी प्राइस मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइड बाय कन्वर्जन रेशियो नेक्स्ट वन स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना शेयर मिलेगा मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कन्वर्जन प्रीमियम Conversion premium. What's the formula for conversion premium? Market price of the bond minus stock price of the bond. Or I can even calculate what is the price per bond in terms of conversion parity. question And last one chalo ye ghar ka concept. Hai, what is straight value of bond? IV of the bond, as if the bond was non-convertible. So that is nothing but PV of coupon plus PV of redemption. लास्ट ना अगर याद हो तो एक डाउन साइड रिस्क होगा व्हाट इज डाउन साइड रिस्क कितने में खरीदा मार्केट प्राइस कितना नीचे तक जा सकता है आईवी उससे नीचे जाएगा तो मैं कन्वर्जन ही नहीं कराएगा इज इज क्लियर चलो फिर भी सारे क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएंगे सो हैव लुक एट क्वेश्चन नंबर वन थ्री कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस द फॉलोइंग डेटा इज रिलेटेड टू एट पॉइंट फाइव परसेंट फुल्ली कन्वर्टेबल इन टू इक्विटी शेयर डिबेंचर्स ऑफ जी ए सी एट थाउजेंड मार्केट प्राइज ऑफ अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज नाइन हंड्रेड कन्वर्जन रेशियो इज थर्टी एस्टिमेटेड स्टेट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज सेवन हंड्रेड एंड प्राइज ऑफ कॉमन स्टॉक इज ट्वेंटी फाइव इतना तुम्हारे सामने रखना मैं सारे कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ नीचा आंसर ही नहीं पढ़ रहा हूँ फर्स्ट वन क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है वन थ्री आई स्टार्ट विद फर्स्ट वन एकदम बेसिक पहले दिमाग में डालो कौन से कंपनी का बॉन्ड खरीदा जीएसी जीएसी फेस वैल्यू कितना है कुपॉन कितना है लाइफ कितना है नहीं दिया है और मार्केट प्राइस कितना है 900. अभी तुम आराम से सुनने का दिमाग में डालो कॉमन सेंस अगेन एक बार फिर से आई एम बाइंग अ बॉन्ड विच इज हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ थाउजेंड आई गेट एट पॉइंट फाइव परसेंट कूपॉन ऑन इट एंड मार्केट में कितने में मिल रही है नाइन पे। नाउ दिस कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी तो हम लोग सारी एनालिसिस कर रहे हैं कि भाई इक्विटी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या सो so, सबसे पहला एनालिसिस होता है पॉइंट नंबर वन इज कन्वर्जन रेशियो कितना शेयर्स मिलेगा एक बॉन्ड देके? थर्टी शेयर्स दिया हुआ उन्होंने है ना नेक्स्ट वन सेकेंड कन्वर्जन प्राइस मतलब हमें एक शेयर कितने में पड़ रहा है बॉन्ड कितने में मिला एक 900. 900. एक बॉन्ड लोगे 900 का कंपनी को वापस दे दोगे कंपनी तुम्हें 30 शेयर देगा मुझे एक शेयर कितने में पड़ रहा है वो जानना है सबसे रबिश कॉन्सेप्ट है ये 900 हंड्रेड काम नहीं करेगा इसीलिए कहा कि कन्वर्जन प्राइस इज अ रबिश कॉन्सेप्ट खाली बुक्स में है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है इज इट गोइंग टू बी थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी कैलकुलेटर थाउजेंड डिवाइडेड बाई थर्टी आंसर कम्स टू थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तू कल यूज नहीं कर रहा आज जहाँ वैसे ही वो लाइन नहीं है बेचारी को दे दे तू तू और ये दोनों मिलकर एक ही कर रहे हो ना हाँ दे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो भी ये वाला यूज कर अच्छा है <laughs> अरे उसको टेंशन आ रहा है मैं बोल रहा हूँ यूज कर हाँ वैसे ही वो सो रहा है तू जाग रहा है ना मैं तो था ही नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है साइंस से है। इज इट 33.33 डू यू इंटरप्रेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस 33.33 इज नो व्हाई बिकॉज़ अपने को हजार में बॉन्ड मिला ही नहीं है इसीलिए हम लोग ने एक थर्ड कॉन्सेप्ट निकाला कन्वर्जन पैरिटी प्राइस. प्राइस कितने में खरीदा और एक कितना शेयर्स मिलेगा तो अपने को एक शेयर कितने में पड़ेगा थर्टी में सो द डे दिस कन्वर्जन हैपेंस डिपेंडिंग अपॉन द टू डेज रेट दैट आई विल बाय द दॉन्टेड नाइन हंड्रेड और जब कन्वर्ट होगा कहने से मुझे एक शेयर तीस रुपए में मिलेगा दैट इज नोन एज कन्वर्जन पैरिटी प्राइस दिमाग चल रहा है एंड दिस कन्वर्जन पैरिटी प्राइस इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेक इवन प्राइस ट मार्केट में अगर वो शेयर का प्राइस थर्टी चल रहा होगा तो आई एम ब्रेक इवन गॉट एट डिरेक्टली फोर्थ कॉन्सेप्ट कन्वर्जन प्रीमियम आज ये शेयर का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है नहीं शेयर का प्राइस पूछ रहा हूं ट्वेंटी फाइव तो बॉस थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव कहना से पांच रुपया प्रीमियम दे रहा हूं मैं आज के हिसाब से और मैं होप कर रहा हूं कि प्राइस बढ़े 26 हो जाए 27 हो जाए 28 हो जाए 30 हो जाएगा तो ब्रेक इवन बॉस 30 के ऊपर हो जाएगा तो तो धमाल प्रॉफिट होएगा yes. क्योंकि कन्वर्जन आज नहीं होने वाला है कन्वर्जन होएगा तीन साल पांच साल के बाद yes. आज के हिसाब से पांच रुपया प्रीमियम दे रहा हूं मैं yes. और कितने शेयर्स पे तो इन टू थर्टी टोटल डेढ़ सौ रुपए का प्रीमियम yes. <coughs> समझा एक और वे से निकाल सकते हैं इसीलिए मैंने बोला कि मैं कन्वर्जन प्रीमियम पे जम मार रहा हूं फोर्थ कॉन्सेप्ट इफ यू रिमेंबर वॉज इट स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब बहुत सिंपल है बॉन्ड लो दे दो शेयर्स लो और देखो कितना प्राइस चल रहा है एक बॉन्ड कितने का लोगे कंपनी को दे दोगे कंपनी क्या देगा और थर्टी शेयर्स का मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है थर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव इज इट सेवन फिफ्टी वेवन फिफ्टी स्टॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड मतलब हम लोग को शेयर में कितना वैल्यू मिलने वाला और बॉस अभी यहां पर आ जाओ ऑल्टरनेटिव क्या नाइन हंड्रेड माइनस सेवन फिफ्टी इज इक्वल टू वन फिफ्टी आ गया ना दो वे से निकालने का काम डेढ़ सौ रुपया ज्यादा पे किया डाउट फिर से एक बार पहले पांच कॉन्सेप्ट फिर सिक्स एंड सेवन तो बहुत ईजी है वॉट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वर्जन रेशियो सेकेंड कॉन्सेप्ट दैट इज नथिंग बट फेस वैल्यू कन्वर्जन रेशियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिवाइडेड बाई कन्वर्जन रेशियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस नेक्स्ट वन प्रीमियम दैट इज मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड माइनस द स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड द कन्वर्जन पैरिटी प्राइस माइनस द शेयर प्राइस अभी देखो सिक्स तो और सेवन तो एकदम मजे वाला कॉन्सेप्ट हैल्यू वॉट यू मीन बाई स्ट्रेट वैल्यू अगर ये बॉन्ड कन्वर्टेबल नहीं होता तो उसका प्राइस क्या चल रहा होता है इट्स पी वी ऑफ कूपन प्लस पी वी ऑफ रिडम्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्ट्रेट वैल्यू इज ऑलरेडी गिवेन टू यू हा मुझे स्ट्रेट वैल्यू सेवन हंड्रेड ये और नो आज के हिसाब से कितना प्रीमियम दे के आयो <laughs> अभी निकाला 150 शेयर <laughs> प्राइस क्या चल रहा है <laughs> बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए <laughs> कम हो गया तो <laughs> लॉस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कितना लॉस होएगा तुमको <सुण> बहुत 700 के नीचे जाएगा ना अगर वो स्टॉक वैल्यू तो मैं कन्वर्जन नहीं कराएगा hmm. मैं उसको बोलूंगा रिडम्पशन करो एटलीस्ट रिडम्पशन करने पे मुझे अपना स्ट्रेट वैल्यू तो मिल जाएगा सात सौ रुपया तो मिलने ही वाला है उससे ज्यादा लॉस आपको होने ही नहीं वाला है तो बॉस द लास्ट पॉइंट इज द डाउनसाइड रिस्क मतलब तुम रिस्क कितने का ले रहे हो आज बॉन्ड कितने का है नौ सो कितने में मिनिमम तुम लोग को मिलने ही वाला है सात सो एफ आई नॉट रॉन्ग कैन ए माइ डाउन साइड रिस्क इज टू हंड्रेड इज दिस क्लियर हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट वन कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट थ्री कॉन्सेप्ट फोर कॉन्सेप्ट फाइव कॉन्सेप्ट सिक्स एंड कॉन्सेप्ट सेवन ना पूरा चैप्टर चैप्टर स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितना याद है न डैट हाउ वी डिफाइन आर एस एफ एम इन दट शेल पूरा चैप्टर याद होता है अपने को बॉन्ड्स लवली चैप्टर मिनिमम एट मार्क्स मैक्सिमम कैन बी ट्वेंटी मार्क्स टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अब सिर्फ मुझे सुनोगे और मेरे साथ बोलोगे जेड सी बी कुपॉन फिक्सड फ्लोटिंग प्लेन वनीला नॉन प्लेन वनीला पपेक्चुअल कॉलेबल यील्ड, सी वाई कुपॉन अपॉन मार्केट प्राइस इन टू हंड्रेड वाई टी एम प्लेन वेनीला सी प्लस एफ ई माइनस पी अपॉन एन अपॉन एफ ई प्लस पी डिवाइड बाई टू नॉन प्लेन टेबल IRR, ZCB, 300-500, so. perpetual. IV is equal to C upon YTM. Next one, valuation. PV of all future cash flows. That is PV of coupon plus PV of redemption. Plain vanilla. PVIFA, PVIF. Non-plain vanilla. Table. ZCB, 300 part so. and perpetual. IV is equal to C upon YTM. Next concept, duration, d is equal to summation wx upon summation w. Next one, volatility, md, d upon 1 plus ytm, ed, p2 minus p1, divide by 2 into p0 into change in y. Next one, spot rate, ytm, forward rate, larger period by smaller period, term structure, maturity, spot rates. Clear? Next one, bond refunding decisions. Concept, concept, bond refunding decisions. Part one, part two, part one. One, redemption of old. Two, tax shield on premium on redemption. Three, issue of new. Four, expense on issue of new. Five, tax shield on amortization of unamortized portion of discount and flotation cost of old. And six, overlapping interest. That's part one done. पार्ट वन इनिशियल कैश कैशलोज इस पर कोई पीवी काम नहीं करता पार्ट टू फ्यूचर कैश कैशलोस फ्यूचर पूरी लाइफ आ रही है उधर सो फर्स्ट वन पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट ओल्ड न्यू एमोटाइजेशन का टैक्स ओल्ड न्यू दोनों का डिफरेंस क्योंकि ये एक साल का नहीं है नेक्स्ट बीस साल का है सो इन टू पी वी आई एफ ए डिस्काउंटिंग रेट दिया है तो ठीक है नहीं दिया है तो के डी एंड टोटल देन पार्ट वन पार्ट टू डिफरेंस पॉजिटिव येस नेगेटिव नो दैट इज बॉन्ड रिफंडिस नेक्स्ट कॉन्प्ट इंटरेस्ट इम्यूनाइजेशन हाउ मनी स्टेप्स फाइव स्टेप वन डीएल स्टेप टू डी एज इक्वल टू डी एल स्टेप थ्री डी ए दोनों बॉन्ड्स का ड्यूरेशन निकाल दो स्टेप फोर प्रपोर्शन वेटेड एवरेज करके स्टेप फाइव अमाउंट पी वी ऑफ ऑल लाइबिलिटी द लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी है्ड्स फर्स्ट वन कन्वर्जन रेशियो कन्वर्जन पैरिटी नहीं कन्वर्जन प्राइस कन्वर्जन पैरिटी प्राइस कन्वर्जन पैरिटी प्राइस का फॉर्मूला पहले मार्केट वैल्यू डि कन्वर्जन रेशियो स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कन्वर्जन रेशियो मल्टीप्लाइड बाई शेयर प्राइस देन कन्वर्जन प्रीमियम स्टार मार्क ये इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन में आता है देन वील है बॉन्ड माइनस स्टॉक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड नेक्स्ट वन स्ट्रेट वैल्यू अब पीवी ऑफ कूपन पीवी ऑफ रिडम्पन डाउन साइड रिस्क मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड माइनस स्टेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड अभी क्लियर थैंक यू बोलो बॉन्स को